Hi friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to Jyoti Educational Center. Last videos में हमने बात करी कि unit is a concept की number system के बारे में पढ़ रहे थे. तो आज उसका next topic divisibility भी finish कर दिया था. उसके बाद आपका आता है remainder theorem. ये fourth type का topic है number system का. Number system आपका बहुत बड़ा है. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं. लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट ऑन वीडियो. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पहले से ही मैं बोलना चाहूंगी प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर तो आप सब निकालना जानते हो, बचपन से पढ़ रहे हो. रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ 8 का डिवाइड दिया है सपोज 102 में, तो 12 टाइम्स ये जाएगा, मैंने निकाल दिया और इसका रिमाइंडर क्या कहलाता है, 6. रिमाइंडर क्या होता है, 6. इसको आप जानते हो, सभी जानते हो, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. ये सभी लोग जानते हैं. अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं, जिस नंबर से डिवाइड देते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीजर. ये सब ठीक है. और ये जो आंसर आपको मिलता है ये होता है क्वोशेंट. क्वोशेंट होता है ये. और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं यानी कि जो नंबर बेचारा काट जाता है, जाया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड. यानी कि ये आपका हो जाएगा डिविडेंड. क्वोशेंट और रिमाइंडर तो क्लियर होते हैं. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डिवीजर डिविडेंड में होता है. देखिए डिवीजर आर जिस क्या कहलाता है, डिवीजर मतलब डिवाइड करने वाला, भाग देने वाला, और डिविडेंड मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिसमें डिवाइड किया जा रहा है. डिवाइड किया जा रहा है तो डिवाइड से बन गया डिविडेंड. और जर डिवीजर जो दे रहा है भाग, और जिसमें दिया जा रहा है डिविडेंड. तो ये आप जरूर याद रखिएगा. तो इसी बेस पे आप देखिए हम ये कह सकते हैं डिवीजर का मल्टीप्लाई करिए क्वोशेंट में. तो 12 8 96 और उस पर अगर रिमाइंडर बच रहा है जीरो है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर रिमाइंडर बच रहा है तो उसे प्लस कर दीजिए. तो 96 प्लस कितना हो जाएगा आपका 102, यानी कि कितना आ जाएगा डिविडेंड. तो एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसके बेस पर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन भी आई करवाऊंगी जो लास्ट ईयर में भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एंड में. तो डिविडेंड हमारा कैसे बनता है, इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. बस अभी इसका यहाँ पर आप इतना ध्यान रखिए और ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान आप रखिए. इसके बाद अब चलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर. अभी नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है ना, क्योंकि हम छोटी संख्या से उसको डिवाइड करके निकालते हैं कि उसका रिमाइंडर कितना बचा है. लेकिन यहाँ पर हम जो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है ना, हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे लेकिन आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव में देंगे. नेगेटिव रिमाइंडर निकालने का मतलब हम अपनी कैलकुलेशन इजी करेंगे. तो लास्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने क्वेश्चन करवाऊंगी ना तब आपको अच्छे से समझ आएगा नेगेटिव रिमाइंडर का यूज. यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ नेगेटिव रिमाइंडर क्यों आपका जरूरी है, यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ. तो देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट में डेट का आपने 102 में दिया था तो आपका रिमाइंडर क्या आया था, 6 आपका रिमाइंडर आया था. रिमाइंडर की बात, केवल रिमाइंडर की बात करेंगे यहाँ पर, ना मैं क्वेश्चन से मतलब किसी से मतलब नहीं, क्योंकि ये रिमाइंडर ही पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में. केवल रिमाइंडर पर ही फोकस करना है आपको. यहाँ 7 का 53 में दीजिए तो आप कैसे निकालते हो, 7 8 56 नहीं, आप क्या करते हो उससे छोटा, 7 7 49. तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया आपका 4. अच्छा 19 का 117 में दीजिए, 95 और से भी बड़ा 6 टाइम. तो यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 19 6 6 9 54. ठीक है तो रिमाइंडर 140 यानी 3 आ जाएगा आपका रिमाइंडर. ऐसे आप निकालते हो. और यहाँ पर 75 3 75 यानी रिमाइंडर आपका 20 आ जाएगा. ठीक है, अब ये बात हो गई मेरे पॉजिटिव रिमाइंडर जो आप बचपन से हम लोग करते आए हैं. अब आ जाइए इसका नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं. जैसे कि मैं यहाँ कोई वैल्यू लेती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट हम देखते हैं, मैंने कुछ डिजिट लिखी है, इसका डिवाइड करना है. अब आप क्या सोचोगे, ये बड़ा हो जाएगा, ये देखिए इससे कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, मैं 7 से काट देती हूँ पहले से. 7 3 21, 7 1 7 और 7 7 49.
ठीक है, ये ऐसे कट गया, फिर आप क्या करोगे, ये आपके लिए इजी हो गया, 3/17 का आप रिमाइंडर निकाल दोगे, 3 से कट करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आपका आ जाएगा, लेकिन ये आपका गलत रिमाइंडर होगा। गलत मतलब आपने यहाँ पर कितने से काटा है, 7 से काटा है, तो उतने से ही आपको यह मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब जाके आपका रिमाइंडर सही आएगा 14। आप अपनी कैलकुलेशन के लिए किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करके इजी बना सकते हो, आपको 21 की टेबल नहीं आती, 119 का डिवाइड करोगे, सच्चा आपने सोचा मैं 7 से फटाफट काट दूं, और लेकिन जब आप फाइनल आंसर बताओगे, फाइनल रिमाइंडर, यहाँ केवल रिमाइंडर की बात हो रही है, फाइनल रिमाइंडर जब आप बताओगे तो आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा, बिकॉज 3/5 = 15 2, लेकिन आपने जिस भी मल्टीप्लीकेशन से काटा है, 7 से यहाँ का काटा है, तो उतना ही आप उसमें मल्टीप्लाई करके फिर आंसर आप लिखोगे। तो अब आप यहाँ पर 21 बढ़ जाएगा, 21 का 119 में 14 रिमाइंडर आ रहा है, यानी यहाँ पर आप करिए 5 बार, ये देखिए आ गया ना 14 रिमाइंडर, जो हमने ऐसे इजी कैलकुलेशन से निकाल दिया था। तो ये आपको करना होता है, देखिए 25 का 95 में मैंने यहाँ करी दिया है, हो गया 20। अच्छा रिपीट मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब ये तो सब आप करते हुए आए हो पॉजिटिव रिमाइंडर में, पॉजिटिव रिमाइंडर अभी तो पॉजिटिव रिमाइंडर चल रहा है, ऐसे दिख रहा है। अब इसमें मैंने कहा था नेगेटिव से भी निकाल सकते हो, तो नेगेटिव से आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए अब 7/7 = 49 करके 4 रिमाइंडर, मैं ये नहीं कर रही, मैं तो नहीं कर रही, मैं 7/8 जा में भाग दूंगी, 7/8 = 56, 56 में से 53 का ये माइनस का 3 बचे, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन क्या हम अपना आंसर माइनस देंगे, नहीं, जब भी हमें फाइनल आंसर दे रहा होगा ना, तो हम कैसे देंगे, माइनस 3 में इसमें ऐड कर देंगे, यानी -3 + 7, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 4 रिमाइंडर। यहाँ पर आपको लग रहा होगा ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि यह छोटी कैलकुलेशन है, जहां पर आपकी बड़ी कैलकुलेशन पावर वाली होती है ना, वहां पर जनरली ऐसा ही लाना पड़ता है जिससे 1 आ जाए रिमाइंडर। तो मैं आ गए आपको समझ, अब देखिए इसका नेगेटिव निकालिए, मैंने यहाँ 6 टाइम्स किया था तो 3 रिमाइंडर था, अब मैं 7 टाइम्स कर रही हूँ तो 7 टाइम 123 गया, तो 117 का डिफरेंस कितना आएगा माइनस करने पर, ये आ जाएगा आपका -16। अब आपको पॉजिटिव देना है तो देखिए इसमें प्लस कर दीजिए, -16 + 19, बात तो एक ही पड़ गई। यहाँ पर आप छोटी कैलकुलेशन इसलिए आपको इसका यूज पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको इसका यूज पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर 20, देखिए यहाँ पर इतना बड़ा रिमाइंडर आया है कैलकुलेशन, लेकिन मैं ऐसी कैलकुलेशन बनाने के लिए जो 25 4 100 होता है इसमें आपको समझ आ जाएगा, 100 ज्यादा पास है ना 95 के, तो यहाँ केवल -5 आ जाएगा, ये वाली कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगी बजाय 75 से। तो अगर हमें आंसर निकालना है तो 25 - 5 कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक 20, ऐसे करके। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपना कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ मैंने क्या बताया है। आप रिमाइंडर हमेशा ऐसे निकालते आए हो जो उससे छोटा कितना जा रहा है उतना रिमाइंडर हो जाता है, जैसे यहाँ आपने किया, लेकिन अब इसमें नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो जो हमारा पास्ट में है ना हम वही पढ़ेंगे जो हमारी कम कैलकुलेशन करे, जैसे मैंने इसमें बताया नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, 7/7 = 49 हमेशा आप ऐसे ही करते हो, बचा 4, लेकिन हम उससे ज्यादा देंगे 53 ज्यादा, 7/8 = 56 जा रहा है और हमारा नेगेटिव रिमाइंडर -3 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसमें एक ज्यादा किया -16 और -5, लेकिन फाइनल आंसर हम कभी भी नेगेटिव में नहीं देते, रिमाइंडर हम कभी भी नेगेटिव में नहीं देते। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा इजी कैलकुलेशन की वजह से, तो जो नीचे है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें इसका प्लस कर देंगे, यानी 7 - 3 + 7 कितना हो गया 4, तो हमारा वही रिमाइंडर आएगा जो हम डायरेक्ट पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते हैं। अभी आप सब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आगे आपको समझ आ जाएगा इसका यूज कैसे और कहाँ होता है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ये एक नंबर लिखा है, इसमें आपको एग्जाम में ऐसे दिया, सपोज ऐसे दिया है नंबर, अब आपको क्या करोगे, अगर कोई बहुत बड़ी डिजिट है आप क्या सोचोगे, इन दोनों का पहले प्लस करना है फिर मुझे 17 से डिवाइड करना है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कोशिश। तो इसमें जरूरी नहीं है आप ऐसे करें, आप कैसे कर सकते हैं 17 का प्लस या माइनस, जो कैलकुलेशन इजी है आप कर सकते हैं, 75 = 85 होता है, यानी यहाँ पर प्लस 5 रिमाइंडर बच रहा है,
ठीक है 85 होता है, 90 में से ये आपको आना चाहिए फटाफट। अब कितना करेंगे आप यहाँ, 17 थ्री जा 51 होता है, तो 51 अगर हम ले, या फिर 17 टू जा 34 होता है, तो देखिए 34 अगर हम लेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, 6, यानी 5 प्लस इसका रिमाइंडर आपका निकल गया 11। इसका रिमाइंडर कितना निकल गया आपका 11। आप कहोगे इसमें नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, देखिए नेगेटिव का आप लगा के देखिए, अगर सपोज आप इसको नेगेटिव लगा रहे हो, इसको आप नेगेटिव तो 5 का 5 रहा, इसमें आप कहो मैं तो 17 टू या 34 नहीं लूंगी, मैं से बड़ा लूंगी 17 3 का 51, तो आप 51 लगा लीजिए, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पर -9 हो गया, -9 ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ गया आपका माइनस का 4। मैंने क्या कहा था जब रिमाइंडर आपका माइनस का आ जाए 4, माइनस का अगर आ जाए तो इसमें प्लस कर देते हैं, माइनस का 4 प्लस का 17 कितना निकल गया 11। कैसे भी रिमाइंडर निकाल लीजिए, एक ही बात पड़ेगी। अच्छा अगर आप कहोगे मैं ये दोनों नेगेटिव ले लूं तो फिर कैसे सही होगा, यानी मैं 5 नहीं ले रही, मैं तो 6 टाइम ले रही हूँ, 17 6 जा 70 6 जा 102 ले रही हूँ मैं, तो इसमें से आप कर दीजिए 90 100 102, यानी यहाँ पर माइनस का 12 और यहाँ पर तो माइनस का 9 ठीक है। अब देखिए आप क्या कहोगे, 12 और 9 को करिए तो कितना माइनस का आ जाएगा 21। अच्छा मैं एक बार 21 आ गया, तो क्या हम यह माइनस के 21 को डायरेक्ट 17 से कर सकते हैं? आप कहोगे हाँ इससे रिमाइंडर तो लेकिन चेंज आ रहा है, कॉन्सेप्ट फेल नहीं। जब क्या कभी आपका रिमाइंडर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे ज्यादा आ सकता है? नहीं, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, फिर तो नेक्स्ट नंबर से कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जब भी ज्यादा आ जाए, ये 17 से ज्यादा आ गया, आपको 17 से डिवाइड करना है, तो दोबारा आप 17 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। ये नेगेटिव का तो नेगेटिव रहने दीजिए, 17 से दोबारा आप डिवाइड करोगे तो 17 बन जा 17 और कितना गया 18 19 20 21 4 और आ गया माइनस का 4 प्लस का 17 फिर आ गया 11। पहुंच हम वही जाते हैं, चाहे आप कैसे भी ले लीजिए, मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं। अब आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ जाएगा कि हम क्यों करते हैं कैलकुलेशन की इजी करने के लिए। यहाँ पर मैंने ऐसी कैलकुलेशन आपको दी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है 13 का इसमें देना है और आपको रिमाइंडर बताना है। इसमें आपको देखा फाइंड द रिमाइंडर, एसएससी या बैंक आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, तो आप इन्हें अलग अलग कर लीजिए। आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए 13 की टेबल में अब पॉजिटिव या नेगेटिव हम कौन सी वैल्यू लेना चाहेंगे, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर हो या नेगेटिव, जो हमारी कैलकुलेशन इजी बना, जिससे हमें मल्टीप्लाई रिमाइंडर का कम करना पड़े। तो देखिए कैसे ये होता है, सब यहां से समझ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। 13 9 13 8 104 ठीक है, तो यहां पर ही कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर माइनस का 104 103 से एक बड़ा है ना। अगर 91 लोगे तो आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये वही देखेंगे, एक ज्यादा या एक कम, ज्यादा वाला ले रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, कम वाले में तो आप निकालते आइए। अच्छा और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी हमें माइनस रखना पड़ेगा, इसमें -3 ठीक है, 104 से कितना छोटा हो गया 3 ठीक है। तो अब हम इसका रखेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। आप इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए इसका रिमाइंडर 3 आया, या फिर आप खुद निकाल के देखिए पूरा रिमाइंडर इसका 3 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, 19 से आपको डिवाइड करना है ठीक है। अब देखिए 19 10 जा 190, तो ये 2 ज्यादा है तो यहाँ पर रिमाइंडर पॉजिटिव ही लेंगे +2 ठीक है ना। 190 जब भी 10 का टाइम्स आएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। अब 92 जा 38, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि 38 हम बड़ा वाला ले रहे हैं। वैसे आप करते पॉजिटिव 19 19, तो 18 रिमाइंडर बहुत बड़ा हो जाता हमारी कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको समझ आया मैं नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया था। अब ये 19 का इससे दीजिए, तो एक बात बताइए 1919 की टेबल में आएगा और 57 भी 19 की टेबल में आता है, तो 1900 ऐसे 57 19 की टेबल में आएगा, तो 1957 19 की टेबल में जब आएगा तो ये कितना बड़ा है इससे 4, यानी माइनस का 4, ये छोटा है ना 1953। सेम 1956 माइनस का 1, ऐसे कर लिया आप कैलकुलेशन। ट्रिक्स कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होती, ट्रिक ज्यादा टफ होती है लगाना। तो
अब आप देखिए 2 4 जा 8 और इसके आगे साइन कौन सा आएगा, इतना तो आप जानते हो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी ये रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर हम कभी नेगेटिव में नहीं लाते हैं, तो हम यहाँ से प्लस माइनस का 8 प्लस 19, ये आपका हो जाएगा 11, यानी आपका आंसर हो गया 11। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखिए अब आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 64/9। अब आप ये देखिए, अगर हम यहाँ 8 ले आए, 2 की टेबल में 8 आता है ना, 3 टाइम्स 2 2 4 2 8, तो हमारा -1 आ जाएगा, उसकी पावर जो भी होगी -1 ही आ जाएगी, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो इसकी पावर को ब्रेक कीजिए। देखिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ, यहाँ पर 2 अलग से निकाल लिया और यहाँ पर 2 की पावर 63/9 ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि बेस जो पावर होती है प्लस हो जाती है ना बेस मल्टीप्लीकेशन में हो, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अलग कर दीजिए, 2 into, अब ये 621 की टेबल में जाता है। देखिए ये आपको करना पड़ेगा, अगर हम इसको ऐसे करें, ये आपको लॉजिक खुद लगाना पड़ेगा, 21, क्योंकि यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई होती है सब ब्रैकेट के बाद, तो 21 मल्टीप्लाई 363। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए आपको ये क्या मिल गया, आपको ये कैसे मिल गया, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बता रही हूं, आगे मैं और थ्योरम भी बताऊंगी, इससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये कैसे मिल गया, 2 का तो 2 रहा, 9 का 8 में दीजिए तो -1 की पावर 21 आ जाएगा। ठीक है, -1 रिमाइंडर बचेगा ना, तो 2 into और -1, अगर पावर ऑड है तो ब्रैकेट में माइनस आता है, पावर इवन है तो प्लस आता ही, तो आपको पता है ना, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यानी आंसर आपका रिमाइंडर आ गया -2। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर हम माइनस में निकाल दे रही है, तो -2 में किसका प्लस कर देंगे, जो जिससे डिवाइड दे रहे हैं, प्लस का 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7। ये आपका आंसर 7 आ जाएगा। अगर इसको और घुमा दे, अगर यहाँ पर सपोज 2 की पावर 65/9 देता, 2 की पावर 65/9 देता, तो हम क्या करते, तो देखिए हम क्या करते, इसको 3 में कैलकुलेट करना है हमें, तो हम करते यहां पर, तो ये सही है 63, 2 की पावर, ये तो एज इट इज आ जाएगा 63। अब 63 होगी, कितनी और पावर रह गई, 2 और रह गई 9 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 हो गया ये, और ये आपका हो गया -1 की पावर 21, तो यहां पर -1 आ जाएगा अपॉन 9, यानी ये आपका हो जाएगा -4, लेकिन रिमाइंडर माइनस का होता नहीं है, तो क्या कर देंगे, +9। ये आपका कॉन्सेप्ट, माइनस से कितना कैलकुलेशन इजी हो गया माइनस कॉन्सेप्ट से, इसलिए हमने माइनस का कॉन्सेप्ट आपको बताया। रिमाइंडर माइनस नहीं होता, लेकिन हम उसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फाइनल रिमाइंडर लाने के लिए, इजी कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के बाद, एक और कॉन्सेप्ट है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम आगे मैं आपको बताऊंगी, बायनोमियल थ्योरम। फर्मेट थ्योरम अभी सिर्फ सुनिए क्या होती है, a^(p-1)/p=1, यानी अगर आपका ये कोई एक्सप्रेशन होगा तो उसकी डायरेक्ट आप रिमाइंडर लिख दोगे 1। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, p प्राइम नंबर होना चाहिए और a और p आपस में को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, p प्राइम नंबर होगा तो a और p को प्राइम हो जाएगी, प्राइम किसी भी टेबल से नहीं जाता। ठीक है, तो ये मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी है, ए और पी शुड बी कोप्राइम, और फर्स्ट कंडीशन तो क्या, प्राइम नंबर होना चाहिए पी, ये आपका मेन है पी प्राइम नंबर। एग्जांपल से समझिए, फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, 40/29 की पावर 28 का रिमाइंडर निकालिए, 187/83/82 की पावर रिमाइंडर, आपका ये सब आ गया। ठीक है, अब नेगेटिव रिमाइंडर में भी आपको बनाना पड़ता था कि कैसे हो सकता है सॉल्व, इसमें आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन p नंबर प्राइम है, पहले आप क्या देखोगे, p इज प्राइम, यस 29 इज प्राइम एंड दे आर को प्राइम, 29 इज प्राइम, तब आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट इसकी कंडीशन ही होगी, अगर यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप इसे भूल जाओ, फिर आगे बायनोमियल आएगी, या तो आप उससे करो, नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से करो। ठीक है, 20 पर ये ज्यादा इजी पड़ती है आपको, नेगेटिव से भी ज्यादा अगर इससे हो सकता है, तो देखिए फिर देखिए आप, ये जो नंबर है 29 यहाँ पर,
ये यहाँ पर 1,29 ये वाला एक्सप्रेशन बन गया, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1। फाइंड द रिमाइंडर इन दिस एक्सप्रेशन, 83 इज अ प्राइम नंबर और ये इससे कम है पावर, 83 से 82 का सब है यही देखनी है इसकी पावर, तो डायरेक्ट आपका रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन आपको कॉम्पिटिशन में इतना ईजी नहीं दिया जाएगा, ऐसे तो हर बच्चा कर लेगा 1, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको घुमा के देगा। जैसे आपको नेगेटिव रिमाइंडर में उसको बनानी पड़ती थी ना फॉर्म, ताकि कैसे भी 1 लाए, ऐसी आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो देखिए अब मैंने लिया 2 raised to the power 60/5, यानी इसको आपको पावर 1 करें, यानी अगर आपकी 2 की पावर या 4 होती है अपॉन 5 तो डायरेक्ट 1 आ जाता, तो ऐसा हम क्या करें। तो देखिए अगर मैं यहाँ 2 की पावर 4 लिख दूं, अगर मैं यहाँ 2 की पावर 4 लिख दूं तो यहां से ये कितना हो जाएगा 15/5, ऐसे लिख सकती हूँ 15 4 60 होता है, ठीक है। और ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया 1, और 1 की पावर 15 कुछ भी हो तो आंसर क्या आ जाएगा 1। एक सेकेंड का काम, इससे भी ज्यादा आपको घुमा के देगा, इतने इससे भी लेवल बढ़ जाएगा आपका। तो देखिए इससे भी बड़ा हुआ लेवल का कर लेते हैं, ये आपको बस ये समझ आना चाहिए आपको जो पावर है इस नंबर से 1 कम ऊपर रखनी है, प्राइम अगर आपका सेटिस्फाई हो गई ये दोनों कंडीशन, बस 1 आपका आंसर आ जाएगा। भाई ये 1 की पावर 15 क्या होगी, 1 आ जाएगा 1 15, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब आपका ये एक्सप्रेशन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 31 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है अब हम इसमें लगा सकते हैं, दे आर कोप्रेंट, अब हम इसमें लगा, यानी यहाँ की पावर अगर आपकी 30 आ जाए, 30 कैसे आएगी, तो देखिए 30 आप पहले वही लिख लीजिए, यहाँ की पावर अगर आपकी 30 आ जाए तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो 30 जब आ जाएगी इसकी पावर, ये आप इधर लिखिए 16 की पावर 30 आ गई, ये 30 पावर आपकी। अब देखिए अब कितना टाइम और बचा, 73 जा 51 होता है ना भाई, ठीक है तो 510 तक यहाँ पर हो गया, 510 पावर आ गई, कितनी पावर और बचेगी, 2 पावर और बचेगी, 2 पावर आपकी और बचेगी, ठीक है। देखिए 73 जा 510 तक यहाँ पर आ गई, 512 तो 2 पावर और बचेगी ना, 510 + 5 2 512, बस। लेकिन ये एक्सप्रेशन आपका क्या आ गया फेरेट के हिसाब से बन गया ना, ये फेरेट के हिसाब से a^p और इससे एक कम, तो देखिए ये बस आप बना लीजिए कैसे भी, ऐसे क्वेश्चन आपको देगा, हो गया। अब यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो 17 1 ही आएगा, और 16 की पावर 2 क्या होती है 256, ठीक है तो 256। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था, रिमाइंडर जब भी ज्यादा आ जाए, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है 31, तो हम अगेन इसको डिवाइड करते हैं, तो 31 से दोबारा आप डिवाइड कीजिए इसको, 31 से आप दोबारा इसको डिवाइड कीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 रिमाइंडर आपका आ जाएगा, 31 × 8 आप कीजिए 288 होता है, ठीक है 248, 48 में 56 माइनस करेंगे तो आपका 8 रिमाइंडर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। देखा आपने फॉर्मेट थ्योरम से कितना इजी हो गया, बस इस फॉर्म में बना लीजिए कैसे भी। नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के बस ये दो फॉर्मूले देखिए आप, इसको हम कैसे फॉर्म में लिखते हैं, ax + k / a की पावर अगर n होगा तो आपका आंसर आ जाएगा k^n, और अगर यहां पर ax - k / a n होगा यानी माइनस का k^n। इसको अप्लाई कैसे करते, देखिए इस फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ इससे आप मतलब मत रखिए, केवल ये होता है इससे आप मतलब रखिए, हमें 25 की पावर 25 / x, ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम होती है, हमें बनानी है ये बाइनोमियल थ्योरम। कैसे कैसे बनाएंगे, अब हम अगर हम k^n आ जाती है बस डायरेक्ट ये है, अगर फॉर्म इस फॉर्म में तो उसको इस फॉर्म में बना लेते हैं, जो a है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो यहाँ भी आना चाहिए ऐसे 26 - 1/26, ये पूरा ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 को 26 - 1। अब देखिए क्या बन गया, कौन सी फॉर्म बन गई, ax - k की बन गई, k क्या है यहाँ पर माइनस का 1, k हमारा 1 है ना यहाँ पर, तो माइनस का 1 आ जाएगा बाहर,
यही फॉर्म बन गई। यानी ये दोनों हमें सेम करनी होती है, ये एक्सप्रेशन यहाँ लिख रहे हैं ना ए और ए वाले, ये एक्सप्रेशन हमें सेम करनी होती है। तो यानी ये आ जाएगा -1, यानी -k^n। तो अब पावर अगर ऑड है तो ब्रैकेट में -1 आ जाता है, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है, तो यहाँ वाला ऐड कर दो। यहाँ पर दो दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, बाइनोमियल थ्योरम और नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। फिर से समझाती हूँ, ये जो भी पावर है, अभी पावर भूल जाइए, पावर जो भी हो, ये जो एक्सप्रेशन हमें प्लस या -1 की फॉर्म में अगर हम करना है तो डायरेक्ट हम -1 की पावर कर सकते हैं, और -1 या 1 की पावर कर सकते हैं, और 1 की पावर कुछ भी हो तो हम निकाल सकते हैं, आंसर 1 ही आता है। एक और आप समझिए, इससे आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। ये देखिए 7/48, अब इसमें अगर यहाँ हमारा 49 होता तो 48 + 1 फटाफट लिख देते, लेकिन ऐसे इतना इजी थोड़ी ना देगा जैसे इसमें दे दिया डायरेक्ट। इसमें बनाई है आपका दिमाग क्या लग रहा है, यहाँ पर अगर 49 है, क्योंकि 7 में कोई भी ऑप्शन नहीं है 49 के अलावा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर 49 आ जाएगा आपका, यही आपका दिमाग है। तो 7 में 49 कब आएगा, जब इसकी पावर आपकी 2 हो जाएगी, 7 7 या 49, अब 2 पावर हो गई। अब यहाँ पर कितना और बचा, अगर 100 तो आ ही सकता है, 50 × 100, अब 1 7 आपका और रह गया, ये लिख दीजिए 148, ठीक है, upon 48 ये आपका हो गया भाई। इसमें इसमें तो डायरेक्ट है 25 की पावर, 25/26, इसमें ऐसे आप ये लिख दीजिए, बताइए ये फॉर्म बन गई। बस यहाँ पर आपका आ गया क्या, आ गया 49, 49 की पावर 50 × 7 को upon 48। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 48 + 1 की पावर 50 लिख सकती हूँ ना मैं, ठीक है 48। अब देखिए ये वाली फॉर्म बन गई, यानी k क्या है यहाँ पर 1, तो k^n यानी 1 की पावर 50 × 7, तो ये क्या आ जाएगा 7, क्या आ गया आंसर 7। आप सोच रहे हो यहाँ मैं फेरेट लगा दूँ, लगा देती हूँ फेरेट लगाते भी नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी ये प्राइम होना चाहिए, 26 प्राइम नहीं है, 48 हमारा प्राइम नहीं है, इसलिए हम बायनोमियल पर जा रहे हैं, अगर प्राइम होता तो हम लगा सकते थे। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, इससे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या थ्योरम है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको ये वाला एक एक्सप्रेशन इसमें दे दिया है, इस एक्सप्रेशन में आपको बोल रहा है आपको रिमाइंडर निकालना है, जब ये एक्सप्रेशन x-2 से आपका डिवाइड होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो x-2 होता है ना उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, मान लेते हैं, तो x की वैल्यू 2 आ गई, फिर इसमें हम 2 पुट कर देते हैं, x का क्यूब है यानी 2 का क्यूब प्लस 5 × 2 का 4 + 7, ये आप रख लेते हैं, तो 8 + यहाँ पर 2 है 20 + 7 आ गया 35, ये आपका इसका हो जाएगा रिमाइंडर, ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये क्वेश्चन घुमा के भी देता है, के की फॉर्म में फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर एक्सप्रेशन ये है, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे वो निकालते हैं। तो देखिए, तो एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने एक पढ़ा था नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कैसे उससे निकालते हैं। फिर हम आए थे फेरेट थ्योरम पर, फिर हम आए थे बाइनोमियल थ्योरम पर, फिर हमने पढ़ी है एक एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। इसमें से किसी भी थ्योरम में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, अभी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक वीडियो सेपरेटली इसके ऊपर बनाऊंगी, अगर आप चाहो तो। फेरेट, बाइनोमियल, एल्जेब्रिक, ये तीन तरह की हमने थ्योरम पढ़ी, साथ में नेगेटिव और साथ में एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, डिविडेंड कैसे बनता है, इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यहां से हमने स्टार्टिंग की थी। फिर हम नेगेटिव रिमाइंडर, आपको वैसे इन सब में प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है नेगेटिव रिमाइंडर, ये वाला कॉन्सेप्ट आप मेरी वीडियो को बार बार देख के जरूर क्लियर,
तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन देखते रेगुलर हैं, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लूंगी। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, और अच्छे से लर्न करते रहिए इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।